किसान भाइयों, मौर्य चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं श्रवण कुमार मौर्य। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सही व्यवहारिक सटीक जानकारी आप सबको मिलती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों कि अगर आप बैंगन की खेती कर रखे हैं तो बैंगन में सबसे खतरनाक जो कीड़ा है उसके अंदर लग जाता है और किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। उनका जो पौधा रहता है, कल्ले वाले पौधे रहते हैं, उसी के अंदर कीड़े हिल जाते हैं, फिर उनका जो पौधा है मुरझा जाता है। इसके साथ साथ में जब आपका लगभग 2 महीने का पौधा हो जाता है तो खड़े खड़े ही सूख जाते हैं। ये सब कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना तभी आप सबके समझ में आएगा। किसान भाइयों, इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल और बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप सबको देने का प्रयास करता हूँ। किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हैं, अगर कोई अलग से थोड़ा बहुत जानकारी देता है किसान भाइयों, तो आप सबको बहुत ही सहमत मिल जाती है। आप जो जीवन में काम करते हो, अगर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा व्यतीत हो जाएगा। अगर आप खेती कर रहे हैं काफ़ी दिनों से या पहली बार आप बैंगन की खेती कर रहे हैं तो आपके जो उसमें रोग लगता है पूरी जानकारी मैं दूंगा। किसान भाइयों, जब आपका पौधा लगभग 2 फुट का हो जाए, लगभग आप गुड़ाई कर लीजिए, इसके बाद में अगर आपका पौधा सूख रहा है तो आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप सबको डाउट हो रहा होगा कि कुछ खा कर रखे हैं, तो किसान भाइयों मैं थोड़ा चने चबा रहा हूँ किसान भाइयों, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत सही जानकारी दे रहा हूँ। किसी ने आपको नहीं बताया होगा, जब आपका पौधा लगभग 2 फुट का हो जाए तब आप गुड़ाई कर लीजिए, इसके बाद में आप गोबर की खाद लाइए किसान भाइयों, उसमें आप यूरिया मिला दीजिए और जिंक मिला दीजिए, इसके साथ में आप नीम की खली मिला दीजिए और आपको एजेंट मिला देना है किसान भाइयों। इतना आप खादों में मिला करके और पेड़ों पर लगभग 250 या 300 ग्राम लगभग और भी आप मिला सकते हैं, आधा केजी तक आप कर सकते हैं। एक एक पौधों पर आपको रख देना है अपने हाथों से, फिर आप फावड़े से नाली बना दीजिए किसान भाइयों। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा दीमक लग रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो मैं खाद बताया हूँ जितना, उतना आप मिला करके और फावड़े से आप माटी चढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में किस कीड़े का प्रकोप होता है, तो कीड़ी रहती हैं किसान भाइयों, और मैं आप सबको मैं दिखा दूं, इसका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं किसान भाइयों, क्योंकि जब मुझे नाम नहीं मालूम है तो आपको किस तरह से मैं बता दूं, आपको मैं दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं जो इसमें सफ़ेद है, ये पंखी तरीका होता है किसान भाइयों। ये वायरस में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, ये एक पेड़ों से दूसरे पेड़ों पर बैठ करके और बहुत वायरस फैला देते हैं। इनका जो पंख होता है ये देख सकते हैं आप, इन पत्तियों पे बना हुआ है। ये ज़्यादातर मूली में बहुत पाए जाते हैं। देखिए किसान भाइयों के बैंगन के पत्तियां सूख जा रहे हैं तो आपको कौन सी दवा लेना है, तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये दवा आपको लेकर के आना है। और साथ में एक दवा और है, मैं बता रहा हूँ आप सबको किसान भाइयों, दूसरी जो दवा है वो आपको इमामेक्टिन के नाम से आती है, उसको आप ला सकते हैं। किस तरह से है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको लाने में दिक्कत ना रहे। इस तरह से भुजिया नमकीन की तरह होता है किसान भाइयों, देख लीजिए, मैं बहुत बेहतरीन आपको समझा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इसको 15 ग्राम और ये 15 ग्राम दोनों मिला करके आप 16 लीटर या 15 लीटर यानी एक टंकी में मिला करके और आप हफ्ते दिन पर छिड़काव करें किसान भाइयों। इससे क्या होगा, फल फूल जो आपके बैंगन लगते हैं लंबे निकलेंगे। और ये दवाई आप मूली में छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में अगर ये जो कीड़ा मैं बताया हूँ पंखी, ये अगर आपके मिर्ची के पौधे पर है तो उस पर आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे छिड़काव करेंगे तो लगभग ये जितनी रोग है या बीमारी है, कीड़े हैं,
सब दूर हो जाएंगे, ये आप ज़रूर अपनाइए। इक्का दवा का नाम है किसान भाइयों, लेकिन आप किरसज कंपनी का जो होता है आप देख सकते हैं, इस कंपनी का आपको लेकर के आना है। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसमें होता है, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा करता है। किसान भाई इन्हीं का उपयोग करें, और जो बैंगन में कीड़े लग जाते हैं उनकी टहनियाँ सूख जाती हैं, इससे आप बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर छुटकारा आपको मिल जाएगा। जब जब रोग की संभावना लगे, कीड़े लगें, तो आप इसका उपयोग करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो जानकारी देता हूँ समय समय पर आप सबको मिलती रहे।